आज हम एक इस्लामिक गुड़िया की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, उसको हमने जस्ट प्लेस किया, उसके बाद लेयर को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हमने एक न्यू लेयर ली है और इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इस लेयर को लेकर हमने इस पर क्लिक किया। इसके बाद हमने इस्लामिक क्या ली वो सर्कल लिया। सर्कल लेके इस गुड़िया के मुंह के बराबर, जो है हेड के बराबर, हमने सर्कल को खींच लिया। और उसके बाद हमने ये वाला पेन टूल लिया, कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल के बाद हमने इससे इसको बनाना शुरू किया। जैसे ही हमने इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जहां जहां से हमें पकड़ के सेट करना होगा हम वहां से सेट कर देंगे, और जहां से कम करना होगा वहां से कम, और जहां से ज्यादा करना होगा वहां से ज्यादा। ठीक है, अब अगर ये खराब हो रहा है तो इसका बहुत सिंपल होता है कि इसी पे क्लिक किया, डबल क्लिक, और आप उसको डिलीट कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, बाहर एक सॉरी ये वाला उठाया ताकि वो एक कन्वर्ट हो जाए। फिर आपने ये दोबारा कर्वेचर पेन उठाया, आपने एक लाइन यहाँ लगाई और एक लाइन यहाँ लगाई। इसके बाद आपने इसको पकड़ के होल्ड करके नीचे ड्रैग कर लिया। नीचे ड्रैग करते ही आपने इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आपने दोबारा जो है एस्केप का बटन दबा दिया। फिर आपने एक पॉइंट यहाँ लगाया, ठीक है, ये यहाँ अलग अलग लगना चाहिए, यहाँ लगाया, सीधा करना बल्कि आप, और सीधा करने के बाद आप इसको इसके हिसाब से जो है चेंज करना। ठीक है, और फिर ये पॉइंट जो है इसको यहां से मिला दें, और इस पॉइंट को यहां से मिला दें। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट बहुत सिंपल ही और से देखिएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिफ्ट का बटन दबाया, होल्ड किया, और फिर इस वाले को भी शिफ्ट का बटन दबा के होल्ड किया, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी करके बाहर लिया है। ठीक है, इसके बाद एक ऑल्ट का बटन दबा के एक कॉपी निकाल ली। ये जरूरी है इस टाइम कॉपी निकालना हमारे लिए। ठीक है, और इसको हमने यहाँ क्या कर दिया, मैक कंपाउंड पाथ, राइट क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दोनों को दो दफा ज्वाइन करना पड़ेगा राइट क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट ये पेन लिया, इसके फील को कलर कर दिया। उसके बाद आपने ये शेप ब्रेडर टूल लिया, ये वाला, और आपने जस्ट ऑल्ट का बटन दबाना है। ऑल्ट का बटन दबाकर यहाँ से और यहाँ से डिलीट मार देना है। ठीक है, ये हो गया, लेकिन इसकी स्ट्रोक बंद है, ये याद रखिएगा। फिर आपने क्या किया, इसको उठाया और इसके ऊपर रखा है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम, पहले इसको उठाकर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, और ये इसके पीछे आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। ठीक है, जब आप ग्रुप कर लेंगे तो आप यहाँ रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके साथ ही हम इसकी ऑपेसिटी कम कर देते हैं ताकि हमें जो हमारी डोल है उसका मुंह नजर आए। उसके बाद हमने जस्ट क्या करना है, ये वाला पाथ पहले बना लेना है कि हम इसको बाहर ले आते हैं, और हम इसका ये वाला पार्ट बनाते हैं। जस्ट मैंने एलिप्स टूल ले लिया, एलिप्स टूल लेके मैंने इसको यूं किया। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट जो है ये वाला कर्वेचर पेन उठाया और इसको यहाँ से, और इसको पकड़ के यहाँ से मैंने पॉइंट को किया, यहाँ से किया, और फिर यहाँ से किया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके अंदर फील कलर जो इनका अपना है ग्रीन, वो कर लिया, और इसकी स्ट्रोक ब्लैक है तो मैं इसकी स्ट्रोक को ब्लैक कर देती हूँ। और साथ ही मैं क्या करती हूँ, इसको उठाने के बाद यहाँ से उठाकर बाहर लेकर आती हूँ पहले तो, और बाहर लेने लेने के बाद इसको कंट्रोल एक्स कर देती हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद ये वाला जो पेन है आपको याद होगा, इसको आप पकड़ लेंगे, इस पर डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर ये ब्रिंग ड्रॉइंग साइड वाले को क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आप इस पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर लाएंगे तो आप ये देखें इसकी लाइन बाहर नहीं आ रही। ठीक है, एक काम हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा काम है ये वाली शेडिंग को क्रिएट करना।
उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमने जस्ट दोबारा से एक एलिप्स टूल लिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम आई ड्रॉपर से इसके हिसाब से। करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको और इसको बाहर निकालना है। ये मैं पकड़ के बाहर निकाल लूँ, ठीक है। निकालने के बाद मैंने इनको दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया। कंट्रोल जी करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया वापस, ठीक है। अब आपने सेट करना है कि कहाँ पर सेट करना है, कहाँ नहीं करना है, या लाइन सेट नहीं है तो वो आपने आगे पीछे कर देनी है, तो सेट हो जाएगा। देखें, सेट करने के बाद आपने जस्ट पॉइंट उठाए और आपने ये यहाँ पर इसको रख दिया और इसका फील खोल दिया और फील आपने रख दिया। अब आपके ऊपर है कौन सा कलर रखना है, मैंने ग्रीन ही रख रही हूँ इसके मैचिंग का। आपने कोई और रखना है आपको कुछ और रख दीजिएगा। फिर मैंने उठाया, फिर मैंने छोटा सा बना दिया, फिर मैंने उठाया और बड़ा सा बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने इस पर करते जाना, और कलर भी चेंज करना चाहें तो कर दीजिएगा अपने हिसाब से। रखना चाहें, इसका भी कलर सही नहीं लग रहा, ग्रे आ गया है, तो हम इसको ग्रीन कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम अपने हिसाब से रखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ इनकी आप स्ट्रोक बंद कर, इनकी ऑपेसिटी कम कर दीजिएगा ताकि ये रियलिस्टिक लगें। मैं इन सब की जो है ऑपेसिटी, जो डॉट्स हैं सजाने के लिए, इसकी डेकोरेटिव जो सर्कल्स हैं उनकी, मैंने सबकी ऑपेसिटी कम कर दी ताकि ये इम्बोज हो जाएं हमारे दुपट्टे में और सही लगें। और उसके बाद मैंने इसका फील, जो इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक खोल दिया बड़े वाले की, ठीक है। स्ट्रोक खोल दी, ज़्यादा है तो कम कर देंगे, ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, अब इस वाले की जो है स्ट्रोक खुली हुई है, इसकी स्ट्रोक हम बंद करेंगे क्योंकि इसकी स्ट्रोक नहीं चाहिए। ये सेटिंग सब आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखें, उसके बाद हमने क्या करा, हमने आईज और नोज सबको बनानी आती है, बड़े आराम से बन जाएगी। यहाँ पर साइड में आपने एक ले लिया आईज के लिए, इसको ग्रीन ब्लैक कर लिया, ठीक है। इसका स्ट्रोक नहीं खोली भी मैंने, और फिर एक छोटा उठाया वाइट, ठीक है। और फिर इसी का मैंने छोटा एक और खींच लेती हूँ, ब्लैक मरून, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगी, ये पकड़ूंगी और इन दोनों को पहले इसको इसके करीब लाऊंगी और इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ ले जाती हूँ, सेट करूंगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बहुत इजी है, अब तो हमारे पास काम काफी इजी हो गया है। हम इसको और छोटा कर देंगे, ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा ऐसा हो कि जो नजर भी आए अच्छा भी लगे, थोड़ी इसकी ऑपेसिटी कम करो ताकि इसमें बोझ हो जाए, ठीक है। नजर ही नहीं आ रहा, काफी कम हो गई, अब सही है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट दोबारा एक लकीर उठाई, लाइन उठाई, लाइन को आपने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद आपने ये पेन टूल पकड़ा और पेन टूल पकड़ के इसको ड्रैग किया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा जैसा आपने करना है करना है। इसकी फील ब्लैक है हमारे पास, हमने खोली और इसको जैसा सेट है ये वैसे ही सेट कर लें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसी को पकड़ के एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद इसका हमने स्टाइल चेंज किया। अब हमें स्टाइल देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा स्टाइल लेना है, तो हमें मेरे ख्याल से ये स्टाइल सही है और इसकी हम बढ़ा देंगे, क्या क्या बढ़ाएंगे, विद, ठीक है। ये देखें आ गया, लेकिन एक चीज़ है कि ये छोटा होना चाहिए ये वाला, तो इसको भी छोटा करके और करीब कर देंगे।
ये तो आप लोग इजीली बना लेंगे, ये इतना वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको कंट्रोल जी करके, फिर कंट्रोल ऑल का बटन दबा के, कंट्रोल जी करने के बाद ऑल का बटन दबा के हमने एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद हमने देखा यहाँ पर हमें नहीं नज़र आ रही प्रॉपर्टीज, हम यहाँ गए, हमने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, इसको उठा के बाहर किया, और बाहर करने के बाद हमने जस्ट इस पर क्लिक कर दिया हॉरिजेंटल पे। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट इन दोनों को उठाया और यहाँ रख दिया। अब आपके ऊपर है आपने कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो आपने देखना है। सही है। इसके बाद हमने क्या किया, अच्छा मेरी जो वो है ये वाली लाइन थोड़ी सी ज़्यादा वो हो गई और आइज थोड़ी बड़ी हो गई है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रोक बंद करना है और फील खोलना है। ठीक है, स्ट्रोक बंद और फील को खोलना है। हमने हमने फील पे गए, आई ड्रॉपर पे गए और ये फील का कलर उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, ओ आई ड्रॉप पर और फील। ठीक है, इसी से, और इसको हमने तो थोड़ा सा छोटा ऐसा कर दिया कि जो अच्छा लगे, और कुछ अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो ये आपके पास हैंडल पॉइंट है, ये वाले, ये इसको आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही नहीं लग रहा है। ये रखने के बाद आपने इसी की कॉपी निकाल ली, यहाँ रखा, इसी की कॉपी एक और निकाल ली और दबा के, और दबाएंगे, और जब तक ये दो एरो नहीं आएंगे ना तब तक आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, और चाहे तो इसको सेट कर लें अपने हिसाब से। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही है। ठीक है, ये देखें, इसके बाद हमने क्या किया, दोबारा ये उठाया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये किया, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रोक खोलनी है और फील बंद करना है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, और यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आप जो भी आप लेना चाहें स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं सेम वैसे नहीं बना रही, कभी आप लोग समझे, लेकिन आप लोग को ये चीज़ पता चल गई होगी कि हमने किस तरीके से इसका जो है शेडिंग लगानी है। ये शेडिंग लगाने के बाद अब हमारी बारी आती है, एक शेडिंग ये है, एक ये है। ठीक है, ये दो आ गई हमारे पास, और इसको ज़्यादा सेट करना हो तो आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये बनाना है, तो मेरे ख्याल से पहले मैं ये बना देती हूँ, फिर वो आपने जस्ट क्या किया ये, और इसको ये ड्रैग कर लिया, और ड्रैग करने के बाद इसका फील खोल लिया, स्ट्रोक खोल लिया और फील बंद कर दिया। ठीक है, ये नहीं, और इसका स्टाइल आपने यहाँ से ये वाला ले लिया। लीजिए भाई, आपकी ये भी चीज़ तैयार, क्या मुश्किल है। सेट करना आप लोग को आता ही है, ये वाला हैंडल उठाओ सेट कर लो, स्ट्रोक बढ़ानी है तो थोड़ी सी बढ़ा लो, नहीं बढ़ानी नहीं बढ़ाओ। ठीक है, फिर इसी को लो, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी, कॉपी निकाल के इसको यहाँ ड्रैग कर लो पकड़ के। अब इसकी थोड़ी सी कम कर दो रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इसको छोटा कर दो। स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये ना। सही, अब क्या करना है, अब हमने ये बनाना है,
इसको बनाने के लिए एक दो तरीके हैं। एक तो यही है कि आपने ये ले लो क्या सर्कल, दूसरा तरीका पेन टूल उठाओ यहाँ से कर लो। मेरे ख्याल से आप लोग के लिए दूसरा तरीका सही रहेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम पेन भी नहीं ले रहे, हम पेन भी नहीं ले रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से जिसकी मैंने फील खोली हुई है, अभी बंद कर देती हूँ ताकि नजर आए सारी चीजें। ऑपोसिटी कम कर दी मैंने, अब इसको इसके हिसाब से पहले मैं सेट कर रही हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, पेन टूल उठा रही हूँ और जहां जहां से मुझे ये लग रहा है ज्यादा है वो कम कर रही हूँ। बहुत सिंपल वे में इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ये खत्म होगा, ये इस पर क्लिक किया और ये भी खत्म, और फिर इसको बीच में से पकड़ के ड्रैग कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से गए, ये खत्म, ये लेकर आए और यहाँ। ठीक है, फिर ये लेकर आए और यहाँ, फिर ये लेकर आए नीचे और इसको यहाँ से यहाँ कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, इसको यूं कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप भर लियो। ठीक है, ये अभी हमने इसको कोई काम नहीं किया है, हमने इसका जस्ट वो किया है, अंदर का काम किया है। अब हम इसके स्ट्रोक पे काम करेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रोक पे काम करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट ये वाला पेन टूल उठाना है अब हमें। ठीक है, ये वाला पेन टूल उठाकर फ्री, पहले फ्री पेन पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेना है। ठीक है, और लेना है किस तरीके से, ये पकड़ के जब आप यहाँ से लेते हैं, चलो यहाँ से, ये जब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ हमने माउस पे क्लिक किया लेकिन माउस का क्लिक छोड़ा नहीं और हमने इसके हैंडल्स को निकाल लिया और काम कर लिया। ठीक है, अच्छा नजर नहीं आएगा तो मैं इसका फील बंद कर देती हूँ, स्ट्रोक ऑन रखती हूँ। फिर मैं वापस गई और यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैं दोबारा यहाँ आई। यहाँ आने के बाद जब मैंने क्लिक किया तो मैंने माउस नहीं छोड़ा, ड्रैग करा, फिर मैं वापस आई और फिर मैंने यहाँ क्लिक किया। थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ये। ठीक है, और ये करने के बाद आप देखें ये सेट नहीं हुआ है, लेकिन हम आराम से इसको सेट कर लेंगे। ये लेंगे इस पेन टूल से, हम इसको पहले सेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम ले आएंगे यहाँ, सही है। ये करने के बाद वापस इसी पेन पे जाना है हमें, अब वो वाला पेन नहीं यूज कर सकते, हमें इसी पेन पे जाना है, फ्री पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से हमने पकड़ा था, हम यहाँ आएंगे। ठीक है, और इसका एज बना देंगे, फिर यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखो ये सेट नहीं है, आराम से सेट कर लो भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये सेट हो गया, ठीक है, फिर हमने इसको जो है यहाँ से पकड़ा, यहाँ आ गए और पेन से ड्रैग करना है। क्या करना है, ड्रैग करना है। सिंपल, अब आप इसको भर लें, ये आप इसको यहां रखें। यहां रखने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, ये पकड़ना है, जो चीज सही नहीं है उसको सेट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इनको पहले कंट्रोल जी कर लें। कंट्रोल जी करने के बाद ये पाथ फाइंडर उठाएं और यहाँ पे ऑल्ट का बटन दबाकर ये डिलीट,
जो स्ट्रोक हमारा गंदा बाहर निकला हुआ था वो खत्म, हमने इसको उठाया और यहाँ रख दिया, यहाँ रख के हमने इसको ट्रैक कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया यानी इसके हेड के बराबर, जैसे कि इसका हेड नजर आ रहा है ऐसा। करने के बाद हमने इसको क्या किया, राइट क्लिक किया, अरेंज टू बैक कर दिया। ठीक है, ये देखें आपका तैयार। थोड़ा सा गड़बड़ है, वो आप लोग सेट कर लोगे क्योंकि उसमें सिर्फ स्ट्रोक्स का मसला है। ये जैसे ये हमारा, ये दुपट्टे की शेडिंग करना बड़ा आसान है। आपने जस्ट क्या किया, आपने ये ब्लैक वाले को उठा के थोड़ा सा ऑल्ट करके कॉपी करके बाहर लिया है, इसका आपने स्ट्रोक का कलर चेंज कर दिया, जो भी कलर है वो उसको करके आपने इसको स्ट्रोक में तब्दील कर दिया। यहाँ से क्लिक करके स्ट्रोक में तब्दील करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट पेन उठाना है पहले। ठीक है, इसका यहाँ से जो है कंट्रोल जेड, इस वाले पर डबल क्लिक करा, एक डिलीट, फिर कितना है हमने उसको उतना रखना है, यहाँ से डिलीट। ठीक है, ये साइज। इसके बाद आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा, आपने जस्ट जाना है पहले इसका साइज बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, इफेक्ट में गए, ब्लर में गए, गोशियन ब्लर, और उसके बाद आपने 3 पिक्सल रखना है, 4 पिक्सल रखना है आपके ऊपर है वो रखा, और रखने के बाद आपने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करने के बाद आप यहाँ गए, इधर गए, और इधर जाने के बाद कंट्रोल वी किया, और कंट्रोल वी करके आपने इसके साइज को कम किया। ठीक है, पेन से भी सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है, 3.5 या 4 रख दिया। ठीक है, फिर बाहर आ क्लिक कर दिया, ये देखें उससे ज्यादा इस तरीके से आराम से शेडिंग हो गई। इसके बाद आपने ये बनाना है, ओ बड़ी बहुत सारे काम है यार। ये लिया, यहाँ गए, यहाँ गए, ये किया, ठीक है, ये किया, ये किया, ये डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, स्ट्रोक बहुत ज्यादा है मेरी, बंद करो पहले तो, वन पे ले करो, ब्लैक पे ले करो। ठीक है, और फिर इसको हमने पेन से ये और ये मिला दिया। मिलाने के बाद पहले हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे, यहाँ ये देखो डबल क्लिक करेंगे, चीज़ें खुद सेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, डबल क्लिक सेट, और फिर ये डबल क्लिक सेट। ठीक है, और फिर इसमें कलर भर दिया हमने, हमारे पास ये वाला कलर।